ये हमारा मिक्स वेज डोसा तैयार हो रहा है, इसकी टेस्टिंग करेंगे। 140 रुपये प्राइस है। निवेथा डोसा कॉर्नर, पिछले 12 साल से यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, स्पेशली साउथ इंडियन के लिए जाने जाते हैं ये। भाई साहब हल्की हल्की हो रही बारिश और अब हमारा बनेगा मिक्स वेज डोसा। ये देखिए सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी हैं, गोभी है, प्याज है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, गाजर है। और भाई साहब ये अब तड़का लगेगा, पहले इसमें इसको फ्राई करेंगे भैया, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। हाँ मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मिक्स वेज डोसा कैसे तैयार होता है वो आप देख लीजिए। ये देखिए अभी हल्का हल्का सौते कर रहे हैं, इसको सौते बोलेंगे, हल्का हल्का सौते कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं। मिक्स वेज डोसा कितने का है? मिक्स वेज डोसा आपका 140 रुपए का। अच्छा मैं उस वक्त रोहिणी में निवेथा डोसा कॉर्नर पर। निवेथा डोसा कॉर्नर कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन बताओ भैया? ये सेक्टर 6 और 7 डिवाइडिंग रोड पर भैया, और ये नियर बाय अयोध्या चौक तक पड़ता है, अयोध्या चौक के पास। ये देखिए बहुत रेयरली ये कॉम्बिनेशन मिलता है। ये जो मिक्स वेज डोसा ये किसकी रेसिपी आपकी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा जी, तो और जगह मिलता है मिक्स वेज डोसा? नहीं बनाते होंगे वैसे, इतना पता नहीं है, वैसे यहाँ पर चलता है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर ये देखिए मिक्स वेज डोसा बनाया जा रहा है, 140 रुपये प्राइस है इसका। अब क्या होगा, अब फिर ऑयल डलेगा इसमें, अब डल रहे हैं इसमें क्या, आलू पोटैटो मसाला, ये डल गया भाई साहब, बड़ा फीलिंग होने वाला है ये, ज़बरदस्त मिक्स वेज डोसा तो पहली बार खाऊंगा मैं। ये क्या डलेगा? पनीर डल गया भैया। इसके बाद अब क्या डलेगा? ये कौन सी ग्रेवी है? स्पेशल ग्रेवी। ये कहाँ से लाए, खुद बनाई है? क्या क्या प्याज है इसमें? इसमें टमाटर है, कैरी लीव, जीरा, टमाटर, ऑयल और मसाला। बहुत बढ़िया। तो आपने अगर मिक्स वेज डोसा खाया तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ खाया है, किसके पास खाया है, कितने रुपए का खाया है। ये हमारा मिक्स वेज डोसा तैयार हो रहा है, इसकी टेस्टिंग करेंगे। 140 रुपए प्राइस है। निवेथा डोसा कॉर्नर, पिछले 12 साल से यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, स्पेशली साउथ इंडियन के लिए जाने जाते हैं ये। लेकिन इनके पास चाउमीन भी है और भी नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं इनके पास। और बारिश हो रही है हल्की हल्की, देखिए बड़ा ज़बरदस्त मौसम था तो सौरभ को ले आए मैं पकड़ के। बैटर तैयार हो चुका है डोसे का, अब इसमें फिलिंग होगी। ये देखिए मस्त होने वाला है भाई, ज़बरदस्त। ये देखिए ये हमें कृष्णा जी, कृष्णा जी ने ये खोले था अपना रेस्टोरेंट, कब खोला था कृष्णा जी? ये हो गया था 10-12 साल हो गया। आप ही ने खोला था? नहीं भाई है और पापा। भाई और पापा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई और पापा ने खोला था, कृष्णा भाई के। निवेदा किसका नाम है? ये सब भगवान का नाम है। अरे भगवान जी का नाम है, अच्छा अच्छा। ये देखिए ट्रायंगल शेप में बनाए डोसा, आप सर्व कर दीजिए भैया हमारा प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं अपना मसाला डोसा, मिक्स वेज डोसा सॉरी। चटनी वाइट वाली, लाल वाली भी। वेरी नाइस यार, जितना गाढ़ापन होना चाहिए सांभर में उतना गाढ़ापन है, जितनी खटास होनी चाहिए उतनी खटास है। और जो डोसा है ना, वाकई में एक शानदार चीज दे रहा है सांभर के साथ मिलकर, बर्थ है। देखो आपने स्टफिंग तो देखी थी उस वक्त जब बन रहा था, लेकिन कुछ थोड़ा अलग खाना चाहते हैं, नया ट्राई करना चाहते हैं, रेगुलर डोसा से बोर हो गया मसाला डोसा से, तो मिक्स वेज डोसा आपको ज़रूर खाना चाहिए। कहीं कहीं क्या होता है कि चटनी अच्छी नहीं होती, वाइट वाली चटनी अच्छी है तो सांभर का टेस्ट नहीं आता या डोसे का टेस्ट नहीं आता, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा कॉम्बो है। 140 रुपए का, चटनी भी अच्छी है, सांभर भी अच्छा है और डोसा भी अच्छा है। और अब आ गया वड़ा, ये देखिए हाँ हाँ हाँ, वड़े का भी अलग ही स्वाद है भाई।
ये लगाई वाइट वाली चटनी और एकदम सॉफ्ट वड़ा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। और मेरे हिसाब से ऑथेंटिक साउथ इंडियन का टेस्ट यहाँ पर आ रहा है। रोहिणी में है, रोहिणी के आसपास है, निवेदा साउथ इंडियन कॉर्नर, निवेदा साउथ इंडियन कॉर्नर, कौन क्या नाम है इसका, निवेदा, ये दिखाइए, देखिए निवेदा डोसा कॉर्नर पे आप एक बार ज़रूर आए। मैंने साउथ इंडियन टेस्ट किया है और मुझे बेहतरीन लगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपका कोई यहाँ का एक्सपीरियंस है और आप चाहते हैं कि और किसी जगह हम साउथ इंडियन ट्राई करें, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ। बाय बाय।